नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। आज बताएंगे क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस किस बात की उठाई अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, आज के दिन को कैसे अच्छा बनाएं, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे गुस्से को शांत करने वाले मोती को अंगूठी में धारण करने की एक सरल सी विधि। अक्सर एक देखा जाता है कि गुस्सा आ रहा है, मोती पहन लीजिए, तो मोती कैसे पहने वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने सहयोगियों का और वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। और यदि आपको सफल होना है, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये जो दौर चल रहा है उसमें जो हालात हैं उनके साथ में समझौता करना ही बुद्धिमानी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ सकता है। भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। कारोबार और व्यापार में जो उतार चढ़ाव हुआ पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं वो आज खत्म होता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ में धन बचाने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करना मत भूलिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने हेल्थ सेक्टर पे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर आपका स्वास्थ्य और विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो परिश्रम करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा तो परिश्रम करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए वही रास्ता ठीक ठाक है जिससे सुधार हो। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी पूजन अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, वो है रंजना जी हैं भरतपुर से, जो कि अपने भाई राजीव के लिए जानना चाहती हैं। राजीव जी की जन्म की तारीख है 1/1/1972 और उनके जन्म का समय है रात का 12:50 का। राजीव जी, आप, रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरे भाई भाई और पिछले 4-5 सालों से मेरी मम्मी से, ना पापा से, ना भाई भाभी से, किसी से भी बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मम्मी प्रसाद देते हैं तो वो भी लेना पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर में ही अलग रहती हैं भाभी, हमारी भाभी बोलने नहीं देती हैं इनको, और इनके नाम से एक अलग मकान भी है। लेकिन ये जिद कर रहे हैं, भाई को दबाव डाल रहे हैं कि एक अलग मकान इनको लेके ले, भाभी उसमें जाना चाहेंगी। अभी भैया साथ ही रह रहे हैं आपके? अभी हम एक ही मकान में अलग अलग रहते हैं, 2 मंजिल का मकान है। लेकिन जो भाभी है ना, वो पिछले 15 सालों से आई हैं, जब से ना ही उनसे हमें बातें करने देती हैं। भाई हमसे बातचीत भी नहीं करते, मम्मी से भी बात नहीं करते, पापा, भाई, भैया, भाभी को मतलब बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं बड़े भाई को कि हमें अलग मकान बना के दें। डबल स्टोरी, जब से उनकी 3 बेटियां, उनको बेटी की अभी शादी करनी है, लेकिन ये अलग से अड़ी पढ़ के बैठे हैं कि हमें मकान चाहिए अलग। दूसरा मकान है अलग इनके नाम से है, पर उसमें नहीं। आपकी भाभी का क्या नाम है? भाभी का नाम है, यहाँ का तो पूर्णमा गर्ग है, वहाँ मायके में लक्ष्मी था, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1977। उनका टाइम नहीं पता है, वो मतलब हमको किसी से भी बात नहीं करती है, बात बात पे झगड़ा करते हैं।
ओके। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, क्यों माता पिता जमीन जायदाद बना के रखते हैं कि मेरे बच्चा मेरा बच्चा उसको चाहिए कुछ। अरे खुद कमा लेंगे, खुद बना लेंगे, क्यों छोड़ के जाते हो? अपना जीवन बिगाड़ लेंगे लेकिन अपने बच्चों के जीवन को सुधारते हैं और ये जो संतान है एक दिन माता पिता से ही दूर हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो तकलीफ भी होती है। बेटा सरल सा उपाय आपको बता देते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप घर में नियम बांध दीजिए कि एक तो अभी नवरात्रा आएंगी, जैसे ही आपकी श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे नवरात्रा में पूरे 9 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। संभव हो तो रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इस संकल्प के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे ब्रदर या आपकी मम्मी करें या आपके पापा करें कि मेरे पुत्र को सद्बुद्धि आए और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं सब खत्म हो। तो नवरात्रा में सुंदरकांड का पाठ करें या 108 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। दूसरा सरल उपाय, जैसे आपके भैया भाभी का जो नाम है पूरा, उतने जितने उनके नाम में अक्षर है, हिंदी में अगर राजीव बोले तो 3 अक्षर हुए, तो जो सफ़ेद मखाने आते हैं, फूल मखाने जो बोलते हैं, मखाने के दाने ले लीजिएगा, 3 मखाने ले लीजिएगा, एक पे राजीव ऐसे लिखिएगा, एक और मखाना जिस पे उसकी पत्नी लक्ष्मी का है, जो भी आप बुलाते हैं उसको उस नाम से, उतने मखानों के ऊपर एक एक शब्द पेन से लिखिएगा, तवे के ऊपर जला दीजिएगा उनको मखानों को, और जला के दरवाजे में इस तरीके से डाल दीजिएगा जहाँ से आपके भाई भाभी क्रॉस हो। ये उपाय आप लगातार 21 दिन तक कीजिए, निश्चित तौर पे उनके मन में जो कड़वाहट है आप लोगों के प्रति वो दूर होगी। रही बात बेटा आपके ब्रदर की जन्म कुंडली, तो उनकी कुंडली के अंदर एक समस्या है। समस्या ये है कि एक तो मांगलिक है, भारी मांगलिक है, मंगल होने के कारण थोड़ा जिद रहेगा, जिद में अडामेंसी का जो करेक्टर है वो रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि फरवरी 2017 6-8 महीने बाद में काफ़ी सुधार आएगा नेचर के अंदर, माता पिता की सेवा भी करेंगे। और आप तो ये नवरात्रि वाला उपाय कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और फिर अगर कोई बात हो तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं और उपाय आपको बता दूँगा। तो दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है, उस समस्या का आप हमसे समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए श्रीगंगानगर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, हर्षदीप है, जिनकी जन्म की तारीख है 3/1/1994, उनके जन्म का समय शाम का 4:15 से लेकर 4:30 के बीच का। हर्षदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। पंडित जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है कि नहीं है, क्योंकि मैं पिछले साल ग्रेजुएशन की है, बीकॉम की है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, अब तो कोई खास सफलता हासिल नहीं हो रही, और एमबीए करना चाहता हूँ आगे। अभी क्या कर रहे हैं जी? अभी जैसे कॉम्पिटिशन बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है जी? बीकॉम कर रखी है मैंने, एमकॉम कर रहा हूँ। ओके गुड। देखो हर्षदीप आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही 4:15 और 4:30 का थोड़ा जो कन्फ्यूज़न अगर उनको भी अगर हम देख लें, मैनेजमेंट के सेक्टर में आप तो एक तो 101% आपकी सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई दोराई नहीं है। यू कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब 2017-18 आपके लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, विशेषतः 2017 में सरकारी नौकरी का आपका पूर्ण योग बनता है। प्रॉब्लम है आपकी जन्म कुंडली में, आपको 18 साल की राहू की महादशा चल रही है, 2016 जनवरी से शुरू हुई 18 ईयर्स की राहु, इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। तो आपका जो लक फैक्टर है, जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसके साथ में आपका जो लक फैक्टर है, उन दोनों का प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। तो इफ़ यू वांट बेटर लक, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे, एक गोमेद रत्न आता है, गोमेद लिख लीजिएगा, 5.5 या 7 रत्ति का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण करना है, गोमेद 5.5 या 7 रत्ति का चांदी में मध्यमा उंगली में धारण करना है। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, भोमियो जी का, भैरव जी का मंदिर हो, तो रविवार का नियम बनाइए, वहां पे एक दाल की कचौरी, उस पे एक चम्मच दही और 3 इमरती कंगन, जो एक मोटी सी मिठाई आती है, कंगन बोलते हैं उसको, इमरती बोलते हैं,
वो वहां पर आप हर रविवार को चढ़ाइए, कम से कम 11 रविवार आपको ये उपाय करना है। अदरवाइज जहां तक आपकी हॉरोस्कोप कहती है 101% दिस इज द परफेक्ट हॉरोस्कोप, और आप एक सक्सेस सिर्फ आप बैंकिंग सेक्टर तो आप दे ही रहे, उसके अलावा मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी जो भी कंपटीशन से यू आर एलिजिबल फॉर एवरी कंपटीशन, तो आप फाइट करिए। 2017 आपकी लाइफ के अंदर सरकारी नौकरी लेके आएगा, और कहीं अभी आप डिस्टर्ब मत होइए क्योंकि यू आर टू स्मॉल, छोटे अभी आप, साल डेढ़ साल सिर्फ तैयारी करके कंपटीशन देंगे तो सक्सेस भी आपको अवश्य मिलेगी, और हमारा शुभ आशीर्वाद। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम सिंह जी है अजमेर से, इनकी जन्म की तारीख है 31/8/1973, उनके जन्म का समय है दोपहर का 12:30 का। प्रेम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा सर, मैं पहली बात हुई थी जी, मेरा धंधा बिजनेस चल नहीं रहा बिल्कुल भी, और है ना मेरे से लगता है कोई तांत्रिक क्रिया कर ली है, किसी ने मेरे अभी ऑफिस में कुछ दिन पहले कोई कबूतर मार के फेंक गए थे ऑफिस के आगे, 3 दिन तक लगातार वही बीच में 2 बार सप्ते में कबूतर दिखे थे मेरे को, तो मेरा प्रॉपर्टी बिजनेस है। किस चीज का? प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी ब्रोकर। अच्छा देखिए प्रेम जी, जैसा हमने आपको बताया था कि आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि में शनि का अंतर, एक तो पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी दशा अपनी अंतर दशा में कभी शुभ परिणाम नहीं देती। शनि में शनि का अंतर आपका ख़त्म होगा 29 जनवरी 2017 को। प्रॉपर्टी का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान की यह हालत है, तो ये 29 जनवरी 2017 को ख़त्म होगा, उसके बाद शनि की महादशा बुध का अंतर आएगा, बेस्ट टाइमिंग आएगा। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है, जिसके लिए हमने आपको उपाय बताया था एक, कि हर शुक्रवार को एक छोटी कन्या को, 10 वर्ष से कम की कन्या हो, उसको कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहे, कभी फैंसी आइटम दे दीजिए, कभी स्टेशनरी आइटम दे दीजिए, कॉस्मेटिक आइटम दे दीजिए, 27 शुक्रवार तक कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा जो आपके प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है बुध, वो अस्त है, तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न पहनिए, पन्ना रत्न 5.25 हत्ती का सोने के अंदर सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, नियमित रूप से गौ सेवा करें अपने हाथ से। रही बात तंत्र मंत्र टोना टोटका इन सब दोषों को दूर करने के लिए, तो आप अभी संभव हो तो अभी, और नहीं तो वैसे नवरात्रि में तो अपने ऑफिस के अंदर पूरे 9 दिवस तक सुंदर कर का पाठ करवा लीजिएगा, किसी भी पंडित को बुला के रोज एक पाठ करवा लीजिएगा, निश्चित तौर पर जितना भी टोना टोटका वो सब खत्म होगा। और वैसे भी आप नियम मान लीजिए कि शाम के समय आपके ऑफिस के अंदर एक सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक नींबू हाथ में लीजिए, पूरे ऑफिस में से घूम के उसके खड़े 4 टुकड़े करके बाहर की तरफ फेंक दीजिए, निश्चित तौर पे जितने भी तंत्र मंत्र टोना टोटका है वो सब दूर हो जाएगी। और ऑफिस के बाहर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए, पंचमुखी हनुमान जी बैठी हुई अवस्था में ऑफिस के बाहर लगा लीजिए, कोई माई का लाल, कोई चाहे कबूतर फेंके, कुछ भी फेंके, कुछ भी असर नहीं होगा, जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाए वहाँ तंत्र मंत्र टोना टोटका कभी असर करता ही नहीं। तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसा कमाने के लिए कई प्रकार के रास्ते आपको नजर आ सकते हैं, किंतु ऐसी सोच मत रखिएगा कि पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं है, ऐसा नहीं, ये एक पलायनवादी सोच है, मेहनत से बचने की सोच है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा कीजिएगा और दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि, सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी के क्षेत्र में यदि आपको सुधार चाहते हैं तो आज आपका जो सुख है, जो आराम है, उसको त्याग दीजिए। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम निपटाने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को कुछ फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि, कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो आपके सामने कोई नई प्लानिंग आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा लाभदायी हो। मन को खुला रखिए, उलझन से बचिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा खिलाइए। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही हो जाएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।